आज 30 नामों की घोषणा आखिरकार कांग्रेस ने कर दी। स्वागत अभिनंदन, देर आए दुरुस्त आए। जनप्रतिनिधि के नाते जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अब देखिए और बची हुई सूची कब आती है, उसके इंतजार में कई लोग हैं। पहले सूची में 38 विधायक जो है उनका नाम गायब है, उन्हें हटा दिया गया। अब इसका उत्तर तो कांग्रेस पार्टी देगी कि किसको हटा दिया है, किसको लेटा दिया। अब आने वाले समय चुनाव की वेला चालू हो गई है, 3 दिसंबर का उनका रिजल्ट भी आएगा और जनता क्या चाहती है वो सामने आ जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा है, जो उस क्षेत्र के लिए एकदम नए हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। चुनाव व्यक्ति से नहीं होता है, चुनाव सिद्धांत और विचारधाराओं पर लड़ा जाता है, मुद्दों पर लड़ा जाता है, व्यक्ति नेतृत्व करता है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस प्रदेश के अंदर राजनांदगांव में जो विकास के काम की गति दी है और इस प्रदेश को एक वैभवता के ऊपर लेकर के जाने का जो काम किया है, आज छत्तीसगढ़ की पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज छत्तीसगढ़ एक नया उदयित राज्य है। छत्तीसगढ़ वह राज्य नहीं रहा, आज छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से खुलेआम मादक पदार्थों की व्यवसाय चल रहा है, ऑनलाइन डिलीवरी पर दारू बेच रहे हो, घर घर पहुंचा रहे हो, क्राइम का ग्रेफ इतना बढ़ चुका है कि देश और प्रदेश में चर्चा का विषय हो गया। इन मुद्दों पर आधारित होकर के चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी बात बताएगी। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज़ रायपुर।